दिल्ली दौरे पर है नायब सिंह सैनी। दिल्ली पहुंच रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और देखिए पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी, ऐसी जानकारी सामने आई है। कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है क्योंकि पीएम मोदी से नायब सिंह सैनी मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे समय में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो चुनावों पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जिस तरह से बताया गया था कि केंद्रीय नेतृत्व से नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी मिलने पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अपराजिता सिंह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। अपराजिता, क्या और जानकारी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी? बिल्कुल सुश्री, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा, दिल्ली दौरा आज काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि देखिए सबसे पहले पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो काफ़ी अहम ये दौरा उनका रहने वाला है। और बात की जाए कि किन किन मुद्दों पर क्या क्या चर्चाएँ की जाएगी अगर मुलाकात की बात की, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि एक शिष्टाचार भेंट भी कह सकते हैं जो किया जा रहा है उनके द्वारा। साथ ही एक और बहुत अहम हो जाता है कि किस तरीके से मार्गदर्शन भी प्राप्त करने हैं। देखिए अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो काफी कम समय रह रहा है, तो चर्चाएं बहुत जरूरी हो जाती है कि किस तरीके की क्या रणनीतियां रहने वाली है। क्योंकि कल की अगर बात करते हैं तो कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक अहम बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, कितनी एक अहम बैठक हुई थी, हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई थी। तो बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है कि कई मुद्दों पर चर्चा की जाए। और साथ ही देखिए एक और बहुत अहम चीज हो जाती है कि किस तरीके से क्या कुछ लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, हालांकि थोड़ा नीचे रहा है, किस तरीके से 5 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जाए। हमने देखा है किस तरीके से बीते दिनों मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जो कि उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी। हमने देखा है लगातार मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। अगर बीजेपी हरियाणा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कई रणनीतियों को लेकर के चर्चाएं की जाएगी क्योंकि अपराजिता पार्टी भी बार बार ये कह चुकी है, अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई, जो खामियां रह गई, उनसे सीख लेकर आगे हम विधानसभा चुनाव को और मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुमत हासिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और ऐसे समय में जब वो पीएम मोदी से मिलते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि चुनाव को लेकर खास वो चर्चा कर सकते हैं क्योंकि पार्टी की अभी यही कोशिश है कि मजबूती के साथ हरियाणा में उतरना है और एक एक योजना जो चुनाव से पहले या चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लागू की जा रही है या जनता को जो भी नायाब तोहफे दिए जा रहे हैं उन पर भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं। देखा था किस तरीके से अग्निवीर योजना की बात की जाए जिसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हुआ हुआ था, उन्हें भी उनमें भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपने चलिए अपराजिता, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज नहीं सही ढंग से आ पा रही है, लेकिन जो तमाम आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी और कुछ ही देर में इसको लेकर और जानकारी सामने आएगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान और क्या कुछ कार्यक्रम नायब सिंह सैनी के रहते हैं।